मैं तीसरे गियर, ये देखो मैं तीसरा गियर चला दूँ ना, ये देखो आराम से भाई, कुछ नहीं नॉर्मल। ये देखो रेस छोटा की है, तीसरे गियर पे भी चढ़ रही है ये। अच्छा टायर रेडियस है नहीं, 140 सेक्शन का इसका टायर साइज है, पर काम एकदम पूरा रेडियल से बढ़िया कर रहे हैं यार। ये देखो बल्ले बल्ले, खड़ा होकर चलाओ मस्त। एक तो हैंडल पूरा अपराइट है ना, कंफर्टेबल तरीके से। टूरिंग के पर्पज़ से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना भाई, मुझे लगता है बजट में सबसे ज़्यादा बढ़िया बाइक यही है। सबसे बढ़िया चीज़ इस गाड़ी की, आपने थर्ड गियर मार दिया ना। एक तो पहली बात इसका लॉन्ग टॉर्क अच्छा है, 10 की स्पीड में भी उठ जाती है, 5 की स्पीड में भी उठ जाती है। आप तीसरे गियर में ऐसे आराम से चलाते जाओ, बस 50-60 वादियों के मजे लो। तो भाइयों वीडियो की स्टार्ट आज मैं पहली बार इस तरीके से कर रहा हूँ कि सीधा पहाड़ों में, और सीधा एकदम मतलब ऐसे हाइट पे हूँ मैं कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने में भी ना बहुत डर सा लग रहा है, ऐसा मतलब जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। और सामने खड़ी है, एक तो मैं ब्यूटी में मौजूद हूँ और सामने खड़ी है अपनी रॉयल इनफील्ड की एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है इससे और मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर रॉयल इनफील्ड की तरफ इन बाई चांस मैं कभी भी गया ना भाई, मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। मैं अपनी R15 लाया हूँ भाई, टूर पर आया हूँ, टूर वाला व्लॉग आप लोग देख लेना। मैं R15 नहीं चला रहा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है पहाड़ों में लीन करने में, पर मैं इसको चला रहा हूँ। और बेसिकली आज की जो वीडियो है ना वो भी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि रॉयल इनफील्ड हंटर 350 आजकल क्यों लोग मतलब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, क्या मतलब फीडबैक क्या रहता है, एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी देती है पहाड़ों में, क्योंकि देखो इंक्लाइन भी है और ऊपर से रॉयल इनफील्ड के ना जो बुलेट वगैरह हैं वो लोग कम प्रेफर कर रहे हैं और आज के टाइम पर इसको ज़्यादा मतलब यूज़ में ले रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ जिससे वजह से आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो बस अब फटाफट चला के दिखाते हैं कि पहाड़ों में अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि देखो मेरा बैग ऑलरेडी बंधा है, क्योंकि जो भी पहाड़ों में आता है लगेज तो बंधे रहेगा, लगेज बांधने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से अपना लगेज बंधा हुआ है और मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। चलो आवाज़ सुन ले पहले, पटाखे सी मार रही है भैया ये तो। चलो भैया देखो मैं कम से कम 100-200 किलोमीटर को ऑलरेडी चला चुका हूँ, उसके बाद जाके मेरे मन में ये कॉन्टेंट आया। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ खुद बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को चलाते हुए भी गाड़ी के अंदर फील हो जाएगा कि एक तो ये ना मतलब रॉयल इनफील्ड की सबसे लाइटेस्ट मशीन है, बहुत हल्की है। आपको उस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आप लगेज वगैरह भी बांध लेते हो ना, और पहाड़ों पे अगर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिल जाती है, क्योंकि अभी ना लैंडस्लाइड हुई, मैं एक हल्की सी वीडियो देखो साइड में जोड़ देता हूँ, लैंडस्लाइड हुई उससे पहले ना थोड़ा कीचड़ वाला एरिया था, वहाँ पे क्या सीन हुआ ना, गाड़ी को मतलब आगे करना पीछे करना बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा। ऊपर से ना छोटी है, मतलब मेरी 5.5 इंचेस हाइट है, ये देखो पीछे कोई आ नहीं रहा, ये देखो मेरे शूज़ पहनने के बाद तो पूरे एकदम पूरे फ्लैट पैर आ रहे हैं, तो सीट हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से लाइट वेट है तो इस चीज़ में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि कोई दिक्कत होती नहीं है, जैसा मर्जी उसको नचाओ, अपने इशारों पे ये गाड़ी नाचती है। व्यू के साथ साथ आज इस व्लॉग को इन्जॉय करना। चलो थोड़ा सा मैं भगा के दिखाता हूँ कि टायरों की परफॉर्मेंस कैसी है। मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि रेडियल नहीं है पर इतना बढ़िया ये लीन हो रही है ना मैं क्या बताऊँ। और एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है, अभी मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा लीन लीन खेल लेते हैं, लीली कह रहा हूँ, लीन लीन। ये देखो बहुत अच्छे एंगल तक आप इसको ना बार बार रोकना, बार बार ब्रेक दबाना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं बता रहा था ना कि एक चीज़ बहुत अच्छी है वो यही है, देखो मैंने दूसरे गियर में डाल रखा है, अब ना मैं इसको कम करूँगा ना मैं इसको ज़्यादा करूँगा, पानी में भी गुजरेगी भैया, रिवर क्रॉसिंग भी करेगी। ये खड़े अपने दोस्त यार जी, मैगी मैगी भी खा लेंगे, अब आगे खाएंगे भाई, थोड़ा सा फ्लो बन जाए। देखो दोस्त यार भी चल रहे हैं, जिनकी ये गाड़ी है वो अपनी वो चला रहे हैं। और अब थोड़ा सा देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी बढ़िया कितनी बेहतरीन चल रही है ये गाड़ी, अगर कोई मेरे टाइप का बंदा हुआ या थोड़ा सा मतलब इस टाइप की चलाने वाला हुआ। ये देखो पीछे से कोई रिकॉर्ड करने वाला है नहीं, नहीं तो मैं दिखा दूँ, बहुत सही मतलब मस्त। ना गियर कम करो ना ज़्यादा करो, दूसरे गियर में आराम से 60-70 ऐसे भगाओ कि मतलब हमेशा हाई RPM पे भी रहे, नॉर्मल भी रहे, कोई प्रॉब्लम हो ही ना।
ये देखो, ये जो उबड़ खाबड़ रोड आ रहा है ना, उबड़ खाबड़ इट मीन्स कि ये बबलिंग वाले जो रोड आ रहे हैं, ये बबल से उछल रहे हैं, वहाँ पे तो सस्पेंशन ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई जैसे गाड़ी पे कुछ भी मतलब फ़र्क ही ना पड़ा हो। वरना अगर थोड़ी सी V3 होती ना, वो V3 थोड़ी सी ज़्यादा उछलती है, और जो R15 है वो थोड़ी सी टाइट है। और अगर मैं बुलेट से थोड़ा सा कंपेयर करूँ ना भाई, उसके सस्पेंशन मतलब इतने अच्छे नहीं है, इसके सस्पेंशन सीरियसली बहुत अच्छे हैं। और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए देखो, मैं तीसरा गियर चला दूँ ना, ये देखो आराम से भाई, कुछ नहीं, नॉर्मल। ये देखो रे छोटा की है, तीसरे गियर पे भी चढ़ रही है ये, गियर उतार के तो फिर पागल हो रही है ये, देख रहा कैसे खिलौना बना पड़ा इसका। ब्रेक भाई। मैं तो बस मतलब ब्रेक को ना नाम के लिए छू रहा हूँ, ये देखो नाम के लिए छूगा, गाड़ी लॉक पूरी। और मौसम हो रहा है बारिश का। अच्छा टायर रेडियस है नहीं, 140 सेक्शन का इसका टायर साइज है, पर काम एकदम तो पूरा रेडियल से बढ़िया कर रहे हैं यार। ये देखो पल्ले पल्ले, ओ शाबाश, खुश हो जाओगे भाई। और लगेज को लेके भाई सीरियसली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे जितना मर्जी हैवी लगेज लेके चलो आप। बांधने की बहुत बढ़िया सुविधा है, कीचड़ कोई कहीं से कुछ भी आपके ऊपर नहीं आ सकती है, क्योंकि टूर पे ना ये चीज़ें बहुत दिक्कत रहती है कि आप गंदे बहुत जल्दी हो जाते हो। जैसे मैं R15 पे हो रखा हूँ, नीचे से मेरा R15 मैंने चलाई थी तो कीचड़ बहुत फेंकती है, और मेरे में टेल टाइडी भी लगी है तो भी वो सीन कर देती है, इसके साथ ऐसा नहीं है भैया। ओवरटेक करो भाई फुल हैवी हॉर्न के साथ। अच्छा एक चीज़ है, पर अभी मैं जब सिटी में हाईवे पे चला रहा था इसको, इसका क्लच यार बहुत टाइट है यार, मेरे को थोड़ा सा टाइट लगा इसका। और पर पहाड़ों पे नहीं पता चलता, क्योंकि पहाड़ों पे क्लच का काम ही नहीं हो रहा। दूसरे गियर में डाल के छोड़ रखी है मैंने, गाड़ी चलते जा रही है और अपना काम हो रहा है। देखो पानी आ गया ना, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं अचानक भी थ्रॉटल खोलूँगा ना, तो तब भी ऐसा डर नहीं लगेगा कि गाड़ी स्किड खाई या ओवर पावर्ड हो रही है, ऐसा कुछ। ऐसे राउंड कर्व में मज़ा आता है। अरे भैया देखो, इन बाई चांस अगर ऐसी गाय वगैरह बीच में आ जाती है ना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, जितनी मर्जी इमरजेंसी ब्रेकिंग करो इसके अंदर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स ना भाई, और ये जो आवाज़ है देखना। कितना मज़ा आ रहा है भाई, कसम से। अगर मैंने अभी कोई नेक्स्ट बाइक ली ना स्पेशल फॉर टूरिंग, अगर बजट मेरा नहीं हो पाया इतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक तो बजट में आ जाती है 2,10,000 रुपये की, तो मैं तो डेफिनेटली इसकी तरफ जाऊँगा। एक तो लाइट वेट है, मेरे लिए बनी है स्पेशली ये, क्योंकि भी देखो मेरी सीट हाइट, मेरी मतलब हाइट भी थोड़ी सी कम है, तो पैर मेरे पूरे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा स्किनी सा भी हूँ, तो गाड़ी भी लाइट वेट है और कम्फर्टेबल भाई इतनी है। इसकी सीट देखो बहुत कम्फर्टेबल सीट है इसकी, मैंने कम से कम तकरीबन 120 किलोमीटर से इसको चला रहा हूँ, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मैं भाई हंटर पे बैठा हुआ हूँ या कोई रॉयल इनफील्ड की बाइक पे बैठा, कोई रॉयल इनफील्ड बुलेट पे मैं लास्ट टाइम बैठा था, अभी जब हरिद्वार गया था तो मेरी तो जान निकल गई थी। पर इसका अलग ही स्वाद है, और मिटियोर का और इसका बहुत अलग स्वाद है। खड़ा होकर चलाओ मस्त, एक तो हैंडल पूरा अपराइट है ना कम्फर्टेबल तरीके से। ऑफ रोडिंग आ जाए तो थोड़ा मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँ, आ नहीं रही है ना क्योंकि वीडियो बनानी है, किस्मत वाली बात है। ओए भाई इधर की तरफ व्यू चेक करो, हाँ मस्त व्यू, ऐसे क्रूज भी करो उसे। एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है, माइलेज बहुत कम दे रही है, 20-22 का माइलेज दे रही है बस। टूरिंग के पर्पज से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना भाई, मैं तो डेफिनेटली अगर मैं बजट मेरा थोड़ा सा कमज़ोर होता तो मैं इसी की तरफ जाता, मुझे लगता है बजट में सबसे ज़्यादा बढ़िया बाइक यही है। और डोमिनार भी है खैर, तो डोमिनार का वेट थोड़ा सा हैवी है, तो मैं थोड़ा सा उसको वो करता हूँ डिनाई, पर ये तो मेरे लिए पूरी परफेक्ट बैठती है। इसका वेट होगा भी ज़्यादा ना तो मुझे फील नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट, ऐसे रोड पे तो ऐसे खड़े होके कुदा रहा हूँ मैं। कई कई किलोमीटर तक ना भाई मैं पैर पे हाथ भी नहीं लगा रहा, इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही दूसरे गियर में, हाई RPM पे हूँ, छोड़ देता हूँ इंजन ब्रेकिंग हो जाती है, और बहुत बढ़िया इंजन ब्रेकिंग हो रही है इसकी।
अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, ऐसी बाइक हो ना भाई, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं 1,000 किलोमीटर की राइड मारूँ मस्त, एकदम मस्ती में बिना सोए। हाँ, स्टॉप लूँगा खाने पीने के लिए, पर मैं कंटिन्यूसली कम से कम 500 किलोमीटर के, 800 किलोमीटर की राइड तो कर ही सकता हूँ। जब मैं R15 पे भाई 800 किलोमीटर की कंटिन्यूसली कर सकता हूँ, तो ये तो फिर भाई मेरे लिए तो एक अलग ही चीज़ है, सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। और इधर का व्यू देखो यार, अगर देखो ये सारे व्लॉग देखने हो ना मेरे भाई, तो जाके मेरे चैनल पे देख लेना, उस पे मैंने डाल रखे हैं, उसके बाद में वाली वीडियो डालूंगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाएगा। और इसी वीडियो में चलो मैं ऐड ऑन करके बता देता हूँ, अगर देखो R15 आप लेके आ रहे हो ना पहाड़ों में, तो कुछ जो थोड़े से एजिड लोग हैं, जिनके बैकबोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है, वो तो ना ही जाए यार थोड़ा सा टूर पे, क्योंकि लगता है छोटा सा कि 200 किलोमीटर का टूर है, 400 किलोमीटर का टूर है, पर ये एक्चुअल में जब हम पहाड़ों पे चलाते हैं ना भाई, ये डबल ट्रिपल हो जाता है। और मौसम कब अपना फेर बदल ले ले कुछ नहीं कह सकते, और ऑफ रोडिंग में तो और हालत खस्ता हो जाती है। तो ऑफ रोडिंग वाले थोड़े से जो जिद्दी लोग हैं ना, या थोड़े से जो हैबिचुअल हैं, जो जिन्होंने 2-4 राइड मार रखी हैं, वो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करें तो अच्छा लगता है। बस बाकी तो मेरी इतनी कोई सलाहकार मैं हूँ नहीं कि सारी सलाह देता रहूँ। अच्छा टॉप स्पीड देखो मैं कितनी तक भगा सकता हूँ यहाँ पे, पहला गियर, बस भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं भगा सकता। अब ये 70 गई हो चाहे 80 गई हो, डोंट नो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कर्व्स इतने सारे हैं। अब देखो ये टायर कीचड़ में भीग गए ना या पानी में भीग गए ना, अब मैं यहाँ पे भी लीन करते हुए भगाते हुए ले जाऊँगा ना, कुछ नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना पड़ेगा लीन करते समय ना, ऐसे झटके से थ्रॉटल नहीं देना आपको, बस एक लीनियंट स्पीड में आप लेके जाएं, आपका काम इजी पीजी बॉय। अब लाइट की विजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो एवरेज लगी मेरे को, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना कि बहुत अच्छी होगी, तो वो वाला तो कुछ इसके अंदर मेरे को स्वाद इतना ज़्यादा नहीं मिला, पर बुरी तो बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना कि बुरी है। जिसके पास मतलब अच्छा खासा पैसा है तो इसके अंदर एडिशनल लाइट लगवा लेना, और अगर नहीं भी लगवाओगे तो भी मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ इस गाड़ी की, आपने थर्ड गियर मार दिया ना, एक तो पहली बात इसका लॉन्ग टॉर्क अच्छा है, 10 की स्पीड में भी उठ जाती है, 5 की स्पीड में भी उठ जाती है, आप तीसरे गियर में ऐसे आराम से चलाते जाओ, बस 50 साल वादियों के मजे लो। देखो मैं गियर भी नहीं उतारूंगा तीसरे गियर में ना, ऐसे तीसरे गियर में ही ऊपर ले जाऊंगा, लीन करता हुआ वो भी। भाई मौसम कितना प्यारा हो रहा है यार, नहीं कितना प्यारा हो रहा है, अभी व्लॉग बना रहा था तो धूप निकल रही थी, मतलब वो टूर वाला व्लॉग। तो ये कुछ भाई आपका 100 350 के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज़ थोड़ी सी मैं सलाह दे देता हूँ कि जो सफ़ेद पट्टी ना, इसके अंदर अंदर चलना, कितना प्यारा मौसम हो रहा है भाई। ये देखो सौरभ भाई चला रहे हैं, अब ठंड लग रही है, हाँ ठंडी हवा एकदम चली। तो देखो भाई R15 पे भी आए और हंटर पे भी आया, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं, अगर बजट फ्रेंडली कोई टूरिंग बाइक देख रहे हो ना, जो आपका खर्चा भी कम कराए और सारी चीज़ें उसके अंदर, स्पेशली जिसकी शॉर्ट हाइट है, तो उन लोगों के लिए तो भाई मज़ा आ जाने वाला है। तीसरे गियर में आराम से ऊपर चढ़ रही है 10-5 की स्पीड में भी, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी, बैग बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, सीट देख लो अच्छी खासी सीट है, तो टायर देख लो भाई, लो टायर की मैं आपको हालत दिखा देता हूँ, देख लो कहाँ कहाँ तक लीन हो रही है, इतना सा टायर बचा हुआ है, बाकी पूरी टायर लीन है। एक बार R15 को देखें, सौरभ भाई ने क्या, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई। ये देखो ये तो खैर 180 है, इसकी तो क्या ही मुकाबला होगा, पर ये भी कम नहीं है भाई, मज़ा आ गया, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और बस करते भाई इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू। और ये बस स्टैंड है भाई, ये इतना प्यारा, चलो भाई बाय बाय, टेक केयर।